महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद एक्टर अक्षय कुमार भी अब अपने काम पे वापस जाते हुए नजर आएंगे। किस फिल्म का शूट करने जा रहे हैं वह शुरू आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, अक्षय कुमार की बात करें तो खिलाड़ी कुमार से भी जाना जाता है उनको। उनकी आने वाली बड़ी मूवीज की बात करें तो राम सेतु, बेल बॉटम, अतरंगी रे, रक्षाबंधन और पृथ्वीराज, जिनकी अनाउंसमेंट काफी देर पहले ही हो चुकी है। और अगर हम उनके पेंडिंग शूट्स की बात करें तो राम सेतु का शूट उनको बीच में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि टीम के काफी लोगों को कोरोना वायरस हो गया था और अक्षय कुमार भी कोरोना के साथ संक्रमित पाए गए थे और फिर COVID-19 की सेकेंड वेव शुरू हो गई। उनके आने वाली फिल्म रक्षाबंधन का भी शूट पेंडिंग है कि इसी वक्त वो उस फिल्म का शूट शुरू कर देंगे। जी हाँ, अक्षय कुमार जो नजर आ रहे हैं भूमि पेडनेकर के ऑपोजिट इस फिल्म में, और इस फिल्म को बना रहे हैं आनंद एल राय और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं YRF। फिल्म की अगर हम बात करें तो इसका शूट पेंडिंग था और आज अक्षय कुमार ने अनाउंसमेंट कर दी है कि इसी हफ्ते हम अपनी फिल्म का शूट शुरू कर देंगे। अगर हम YRF की बात करें तो YRF ने तो अपनी अनाउंसमेंट कर दी है और धीरे धीरे करके अपनी पेंडिंग मूवीज के शूट को भी शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें फिल्म महाराजा की, जिसमें जुनैद खान नजर आ रहे हैं, उसका शूट भी शुरू हो चुका है और फिल्म पठान का शूट भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। लेकिन लोगों की नजरें गड़ी हैं सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 पे। जी हाँ, लोग इंतजार कर रहे हैं कि सलमान खान कब सेट पे वापस आएंगे और कब हम अपने फेवरेट हीरो को बड़े पर्दे पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल अक्षय कुमार काम पे जाते हुए नजर आएंगे वापस क्योंकि उनका कहना यह है कि मैं कोरोना से भी रिकवर कर चुका हूं और अब मैं बिल्कुल फिट हूं और अब मैं जल्द ही अपने सेट पे नजर आऊंगा आपको। अगर हम YRF की बात करें तो उनका कहना यह है, हम चाहते हैं कि पूरी कास्ट और क्रू कम से कम फर्स्ट डोज लगवा के ही सेट पे आए, नहीं तो हम अपनी किसी भी फिल्म का शूट नहीं करेंगे शुरू। तो अब ऐसा ही होगा, रक्षाबंधन की टीम जल्द ही सेट पे पहुंच जाएंगी और अक्षय कुमार फिर से हमको एंटरटेन करते हुए नजर आएंगे अपनी फिल्म्स के साथ। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है अक्षय कुमार पे और उनकी आने वाली फिल्म रक्षाबंधन पे? आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और बॉलीवुड के साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए देखते रहेगा हमारा चैनल जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।